नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वाराणसी से। बड़ी खबर सामने आ रही है, बीएचयू में आईआईटी की छात्रा से अभद्रता मामले में नया मोड़। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर दर्ज हुई एफआईआर। आरोपियों के संबंध में एबीवीपी से होने की कही गई थी बात। बीएचयू में अभी भी जारी प्रदर्शनकारी छात्रों का धरना। पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन का बयान, 4 दिन के अंदर दोषी होंगे सलाखों के पीछे। तो वाराणसी से आपके साथ खबर साझा करें, जहां बीएचयू में आईआईटी की छात्रा के साथ रेप के मामले को लेकर जुड़ी खबर है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। एबीवीपी से आरोपियों के संबंध होने की बात बताई गई है। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो सावधान हो जाइए, वरना आपकी जान पर बना सकती है। दरअसल दिल्ली की आबो हवा जहरीली हो गई है और आलम यह है कि AQI का स्तर रविवार रात 999 के पास दर्ज किया गया, जो WHO के मापदंड से भी 200 गुना ज्यादा है। देखिए ये रिपोर्ट। सावधान सावधान सावधान, दिल्ली में रहते हैं तो हो जाइए सावधान, वरना लापरवाही आपकी जान पर बन सकती है। दरअसल दिल्ली की आबो हवा अब कोबरा के जहर से भी ज्यादा खतरनाक बन गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता रविवार की सुबह गंभीर श्रेणी में बनी रही। यहां शहर में घना जहरीला धुआं छाया रहा, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में इस हफ्ते लगातार चौथे दिन AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया, जिससे दिल्ली और NCR के इलाकों में रहने वाले दमा और सांस के मरीजों की टेंशन बढ़ गई है। वहीं लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, गले में खराश की समस्या महसूस हो रही है। दिवाली से पहले ही दिल्ली में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। हालात ये है कि दिल्ली के अशोक विहार इलाके में रात करीब 1 बजे AQI 999 दर्ज किया गया। बाकी इलाकों में भी प्रदूषण से हालात बदतर हो रहे हैं। लोधी रोड की बात करें या फिर एम्स की, इंडिया गेट हो या फिर कुतुब मीनार एरिया, इसके अलावा लाल किला का इलाका ही क्यों ना हो, हर जगह जहर बन चुकी दिल्ली की आबो हवा ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पॉल्यूशन की स्थिति ये है कि गले में तो लगी रहा है कि सबको खराब है, और आंखों में लगातार जलन हो रही है, पूरे दिन में जलन हो रही है। तो लग रहा है कि हाँ भी अंदर कुछ लंग्स के अंदर भी इसका इन्फेक्शन हो रहा है, क्योंकि बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। इससे महसूस हो रहा है, जैसे आप तो ये 4-5 दिन से ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो रहा है सबको, और यहाँ पार्क में घुसते ही जो है वो आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है। पॉल्यूशन की स्थिति बहुत खराब है, सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, और लोधी गार्डन में जहाँ पे बहुत सारे लोग, लेडीज बच्चे जवान सब होते थे, तो उसकी वजह से बहुत कम, मेरे ख्याल 10% लोग भी लोधी गार्डन में आ पा रहे हैं। बिल्कुल सांस लेना भी बड़ा मुश्किल है। हम लोग इस उम्र में अपनी एक आदत है, सुबह का नियम है, हम आ जाते हैं, परंतु पॉल्यूशन की बहुत खराब स्थिति है। ये मेरी प्रैक्टिकल सोच है, हम लोधी गार्डन पीछे 20 साल से आ रहे हैं, इस साल सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है। वहीं नोएडा की बात करें तो नोएडा में प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने भी कमर कस ली है। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से इस दिशा में कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। वायु प्रदूषण पर नोएडा प्राधिकरण के CEO लोकेश एम ने बताया कि पिछले 15 दिनों से हमने सड़कों से धूल कण साफ करने के निर्देश दिए हैं। एयर गन और वाटर स्प्रिंकलर लगातार चल रहे हैं। निर्माण कार्यों को भी रोक दिया गया है। निर्माण कार्य में निकले मलबे को ढक दिया गया है। ग्रैप के नियमों का पालन किया जा रहा है। जहां जहां नियमों के उल्लंघन हुए हैं, वहां अभी तक 48 लाख के चालान काटे गए हैं। पिछले 15 दिन से जो रोड में जितने भी डस्ट और सिल्ट है, इसको स्वीपिंग के लिए हम लोगों ने बहुत मेगा रैली शुरू कर दिया। तो मेन आर्टीरियल रोड, सब आर्टीरियल रोड और जितने भी रोड से
हम लोगों ने टाइम शेड्यूल भी फिक्स कर दिया और हमारे जितने भी सीनियर मैनेजर्स हैं उनको भी हम लोगों ने एक टाइम चार्ट दे दिया कि ये सारा चीज़ क्लीन होना चाहिए। और हमारा अथॉरिटी में जितने भी हमारा एयर गन्स है और वाटर स्प्रिंकलर्स है वो भी लगातार चल रहे हैं। सेकेंडली जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रहे हैं उनको भी हम लोगों ने नोटिस दे दिया और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हम लोगों ने रोक दिया। और कंस्ट्रक्शन जहाँ चल रहे उनका जो भी मटेरियल्स पड़ा हुआ है रोड में सारा उसको हम लोगों ने कवर कर दिया। इसी तरह जितने भी जो ग्राफ का जो रूल्स है वो वॉयलेशन ना हो सारा रूल्स हम रेगुलेशन हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ वॉयलेशन मिला है अभी तक 48 लाख का हम लोगों ने चालान काटा है और स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। एक तरफ जहाँ लोगों को जहर बन चुकी हवा से बचाने की कोशिश की जा रही है तो वही दूसरी तरफ इसको लेकर जू में भी पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि जानवरों को भी इस जहरीली हवा से बचाया जा सके। हालांकि जून में अधिक पेड़ पौधे होने के कारण वहां के हालात दूसरे जगहों के मुकाबले बेहतर बने हुए हैं। To prevent that is one of the steps we take usually and continuous watering and using of such jet sprays. So these are some of the steps we take to reduce the haze inside. However, as you know that zoo has very good greenery. So when that greenery is there, so that oxygen influx is already quite good inside. So it doesn't impact much. The case of pollution impact is much where there is less of oxygen. When it gets trapped and you're not able to breathe out. So that is not the case inside the... बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जहर बन चुकी दिल्ली की आबो हवा से लोगों को कब तक मुक्ति मिलती है। देखना ये भी होगा कि क्या दिल्ली की सरकार इस मामले में कोई ठोस कदम उठाती है या फिर राजनेता राजनीति ही करते रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के सिवनी में जनसभा को संबोधित किया जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला किया है। हमारे एमपी को सुशासन की निरंतरता चाहिए, हमारे एमपी को विकास की निरंतरता चाहिए और इसलिए मध्य प्रदेश कह रहा है मध्य प्रदेश एक स्वर से कह रहा है भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो विकास है, भाजपा है तो बेहतर भविष्य है। और मध्य प्रदेश से एक ही आवाज सुनाई दे रही है, मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा कह रहा है, एमपी के मन में, एमपी के मन में, एमपी के मन में और मोदी के मन में, मोदी के मन में, मोदी के मन में। और इसलिए फिर एक बार। बढ़ते आगे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ के सुकमा में रैली की जहां राम मंदिर के मसले पर कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। तो नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने, क्या कांग्रेस चाहती थी क्या? अगर कांग्रेस चाहती 1947 में, 48 में, 51 में, 52 में, 53 में, 54 में या उसके बाद भी लंबे समय तक उनकी सरकार रही, उन्होंने कभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं करने दिया, विवाद खड़ा किया, राम भक्तों को मरवाते थे, पिटवाते थे, उनके सहयोगी गोली चलवाते थे, कभी उन्होंने राम मंदिर के निर्माण का कार्य नहीं किया। बल्कि उन्होंने तो कहा कि राम तो हुए कि नहीं हुए हम तो ये भी नहीं जानते, यानी भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रहे थे लोग। तो इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके सम्मान की रक्षा करेंगे, कैसे आपकी आस्था का
ख्याल ये लोग रखेंगे, इनसे उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। याद रखना, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में मुझे अवसर मिला, डबल इंजन की सरकार आई, राम मंदिर की सारी बात। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनांदगांव के चंद्रगिरी में जैन मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा की और संत विद्यासागर महाराज से मुलाकात भी की। पीएम मोदी ने उनसे काफी देर तक बातचीत की। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे पीएम मोदी ने राजनांदगांव के डूंगरगढ़ में मां बम्लेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की और चुनाव में जीत का आशीर्वाद लिया। रुक करते अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में डॉक्टर की गैर मौजूदगी में कंपाउंडर ने डॉक्टर बनकर बच्चे को बुखार का इंजेक्शन लगा दिया, जिसकी डोज हैवी हो गई। वहीं हैवी डोज के बाद बच्चे की मौत हो गई, जिससे परिजनों ने कंपाउंडर पर आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। वहीं खबर पर पहुंची पुलिस ने मामले में परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। दिवाली से पहले गुमला जिले के सिसई थाना की पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 जुआरियों को शनिवार को जेल भेज दिया है। जुआरियों के पास से पुलिस ने 31,470 रुपए कैश, 50 ताश की गड्डी बरामद किए हैं। यह जानकारी एसपी हरविंदर सिंह ने दी है। उन्होंने कहा कि जुआरियों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। खबर रायबरेली के मिलेरिया थाना क्षेत्र से है, जहां जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दबंगों ने लाठी डंडों से मारपीट की, वहीं मारपीट में महिलाएं भी शामिल हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तहसील प्रशासन और पुलिस की लापरवाही भी इस दौरान सामने आई है और पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बढ़ते हैं आगे। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की लालबाग कॉलोनी में लूट की वारदात बढ़ती जा रही है। बता दें कि एक महिला से चेन लूटकर दहशत फैलाने वाले एक बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुठभेड़ में गोली लगने के बाद बदमाश हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। ऐसे अपराधियों पर लगाम लगाना ऐसे अपराधियों पर बेहद जरूरी हो गया है। और मुजफ्फरपुर से गृहमंत्री अमित शाह लाइव हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनवाते हैं आपको। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सम्राट चौधरी जी, विपक्ष के नेता श्रीमान विजय जी, श्रीमान साहनी जी, मंच पर उपस्थित भारत सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायक गण और बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी गण, और आज ये रैली नहीं रेला दिख रहा है, उसमें आए हुए सभी प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एडवांस में ही समग्र बिहार की जनता को छठ महापर्व का बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं।
अभी ही छठ का उत्साह दिखने को मिल रहा है। मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में ये बिहार जंगल राज से मुक्त हो, पलटू राम से मुक्त हो। मित्रों, मैं यहां स्थित बाबा गरीबनाथ और खगेश्वरनाथ मंदिर में विराजमान भगवान शिव को चरण में वंदना करकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, ये भूमि खुदीराम बोस, जुब्बा साहनी, पंडित सहदेव झा जैसे क्रांतिकारियों की भूमि है। ये तीनों क्रांतिकारियों को मैं प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, आज मैं जब उत्तर बिहार में आया हूं तब लगभग पूरे बिहार के सभी अंचल का मेरा दौरा आज समाप्त हो रहा है। मैं फिर से एक बार बिहार की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, 2014 में बिहार की जनता ने मोदी जी को 31 सीटें दी और 19 में 39 सीटें दी। इस बार 24 में एक का कमी रह गया है, 24 में 40 की 40 सीटें मोदी जी की झोली में डाल दीजिए। और मित्रों, इससे भी बड़ा विनंती है कि 2025 में इस बार कमल फूल की सरकार बनानी है, भाजपा सरकार बनानी है। क्योंकि आपने जब आशीर्वाद दिया, ये पलटू राम ने पलटी मारकर जनादेश का द्रोह किया। मुझे बताओ, आपने लालू जी के जंगल राज के खिलाफ वोट दिया था या नहीं दिया था? जोर से बोलो, दिया था या नहीं दिया था? ये पलटू राम प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार के जनादेश के साथ द्रोह करे हैं और बिहार को जंगल राज की, गुंडा राज की भेंट पर चढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में अभी G20 हुआ और G20 में दिल्ली घोषणा पत्र को सभी देशों ने सर्वसहमति से स्वीकार कर मोदी जी का सम्मान करने का काम किया है। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया, आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज और बायोफ्यूअल अलायंस को सफलता मिली और मोदी जी ने सभी राष्ट्राध्यक्षों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि पर, राजघाट पर श्रद्धांजलि दिलाकर समग्र देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब ये पलटू बाबू को कहने आया हूं, आपने बिहार की जनता का जनादेश का द्रोह किया है, परंतु मोदी जी ने 9 साल में इस देश में से आतंकवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे बताओ बिहार वालों, कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये RJD और जदयू धारा 370 हटाने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाओगे तो कश्मीर में खून की नदियां बहेगी। लालू जी, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है, कंकर चलाने की। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक पर बैन किया,
सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों को सीधा करने का काम किया, चंद्रमा पर तिरंगा पहुंचाने का काम किया, नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग बनाने का काम किया और माताओं बहनों को 33% आरक्षण विधानमंडल और संसद में देकर मातृशक्ति का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, ये जो इंडी अलायंस, उनका एक ही एजेंडा है, नरेंद्र मोदी का विरोध करना। इन्होंने जब इनको शासन मिला तब 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करे थे और भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले नीतीश बाबू आज चार सीटेड लोगों के साथ सत्ता का सुख भोग रहे हैं। नीतीश जी, शर्म करो, शर्म करो। लालू की खिलाफत कर राजनीति की थी, आज लालू की गोदी में बैठे हो। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, 2G घोटाला करने वाले इंडी अलायंस वाले चाहिए या 5G देने वाले नरेंद्र मोदी चाहिए? जोर से बोलो। मित्रों, ये परिवार की दुकान चलाने वाले लोग हैं, एक को प्रधानमंत्री बनना है और दूसरे को बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। मैं दोनों को कहने आया हूं, नीतीश। तो अभी आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बिहार के मुजफ्फरपुर से लाइव सुन रहे थे। और बढ़ते हैं आगे, जल जीवन मिशन का लाभ अब प्रदेश के हर एक व्यक्ति तक पहुंच रहा है, जिससे हर कोई काफी खुश है और योगी सरकार का आभार जता रहा है। हम आपको बस्ती के रानीपुर गांव लेकर चलते हैं, जहां लोग योजना का लाभ पाकर खुशी से झूम रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जल ही जीवन है और जल है तो ही कल है, और इस वाक्य के महत्व को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं। लिहाजा देश की हर एक जनता तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन का आगाज किया था, और इस योजना के तहत यूपी में तेजी से काम हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार की तत्परता के कारण इस योजना का लाभ धरातल पर तेजी से देखने को मिल रहा है। बस्ती जिले में भी लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है। योजना के तहत बस्ती जिले में कुल 3,57,100 घरों तक पेयजल पहुंचना है, जिसमें से 2,44,446 घरों तक पेयजल पहुंचा दिया गया है, यानी जिले में 68.45% काम पूरा हो चुका है। योजना का लाभ मिलने से लोगों के चेहरों पर मुस्कान है। बस्ती जिले के रानीपुर गांव के लोग योजना का लाभ मिलने से गदगद हैं। सुबह और शाम दोनों टाइम पानी दिया जा रहा है। सरकार बहुत अच्छी मानना चाहिए, सरकार को बहुत अच्छा मानते हैं। पानी पहुंच रहा है, नल योजना से अच्छा इसका पानी भी है। पानी तो बढ़िया है, बताओ। अच्छा वाला पानी है, ये पीएम मन का नल का पानी नहीं चाह वो बनाए दूध नहीं फाटा। हमारे भाजपा सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, हर घर नल से जो जल पहुंचाया जा रहा है इस योजना से। पूर्व में नल के लिए बड़ी मारामारी रहती थी, हर आदमी, हर किसान, हर गृहस्थ चाहता था कि उसके घर पे नल लगे। सीएम योगी की लगनशीलता और कर्मठता के कारण ही प्रदेश के निचले पायदान तक योजना का लाभ पहुंच रहा है और लोगों को घरों पर शुद्ध पेयजल मिल रहा है, जिससे लोग योगी सरकार का कोटि-कोटि आभार जता रहे हैं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।